हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न साइट। दिस इज मी इम्तियाज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर। वैसे तो स्कूल तक का सिलेबस सबको समझ में आ जाता है, बट कॉलेज का फंडा ही अलग है। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है बस्तर के स्टूडेंट्स के लिए, तो हम यहाँ पर शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सो यस, दिस वीडियो इज फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर, जहाँ हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी लर्न साइट को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। सो यस, ये सारा सब्जेक्ट है शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। देखिए, स्कूल में आपका स्कूल का सिलेबस ऑलरेडी डिजाइंड होता था, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते थे, राइट। बट वहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता था, कोई ग्रुप ग्रुप इस तरह से होता नहीं था। जैसे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप, तो अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट होता था, बिजनेस स्टडीज का एक सब्जेक्ट होता था, और आपके इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता था। तो इस तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता था, राइट। लेकिन हम बात करें शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर सिलेबस को ग्रुप्स में बांट दिया गया है, ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो टोटल आपके पास यू हैव 3 ग्रुप्स। तो इसमें आपको सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है आपके स्कूल वाले सिलेबस से। देखिए, किसी भी कोर्स में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जब तक हम सिलेबस को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, और हमें किस तरह से अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है ये नहीं समझेंगे, तो हम मार्क्स तो अच्छे ऑब्टेन कर नहीं पाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है एंड इस सिलेबस को समझना है। तो आपके पास इस तरह से सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए 3 ग्रुप्स हैं एंड 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। जो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो है हिंदी एंड इंग्लिश। ये दोनों ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, जिसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, आपको इसमें इंडिविजुअली पास होना है। जस्ट हिंदी की अगर बात करें तो ये इसका टोटल मार्क्स है, इस पेपर में टोटल मार्क्स है 75 मार्क्स, और इसमें आपको पास होने के लिए 26 मार्क्स लाने होते हैं। उसी तरह से सेम इंग्लिश भी है, इसमें भी टोटल मार्क्स हैं आपके 75 मार्क्स, और पास होने के लिए आपको 26 मार्क्स लाने होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, बीए के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, बीएससी के भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब हम बात करें स्पेशली बीकॉम की, तो बीकॉम में यू हैव 3 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ठीक है। तो इन ग्रुप्स में किस तरह से सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है आपका ग्रुप 1, जिसमें है आपके सामने 2 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं, एंड सेकंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसे व्यवसायिक संचार कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, राइट। अब तक आपने सिंपल अकाउंट पढ़ा है, पूरा हर सारा चीज उसके अंदर होता था। अब हम स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। दूसरा है इसी ग्रुप में बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसे व्यावसायिक संचार कहते हैं, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। सो दोनों ही सब्जेक्ट 75 मार्क्स के होते हैं। अब क्योंकि ये एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप का टोटल मार्क्स है 150। अब इस ग्रुप में अगर आप 150 में है ना 150 में ओनली 50 मार्क्स लेकर आते हैं, तो आप इस ग्रुप में पास हो जाएंगे, राइट। तो वो 50 मार्क्स किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 20 मार्क्स लाए और बिजनेस कम्युनिकेशन में 30 मार्क्स लेकर आए, दोनों को मिलाने के बाद 50 मार्क्स होता है, तो आप इस ग्रुप में पास हैं। इस तरह से कितना सिंप्लीफाई किया गया है हमारे शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में, तो पास होना कितना है आसान, सोचिए। तो आप अगर 50 मार्क्स आते हैं तो पास इस ग्रुप में, राइट। तो उसी तरह से सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप में भी बिजनेस मैथमेटिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जिसे व्यवसायिक गणित कहते हैं, और दूसरा है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे व्यवसायिक नियमन रूपरेखा कहते हैं, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो देखिए कितना आसान ग्रुप है आपका, इसमें ग्रुप के अंदर एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी, जिससे आपको पास होने में, मार्क्स ऑब्टेन करने में इतनी आसानी होगी। आप एक न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल में कमजोर हैं, तो आप थ्योरी अपना पोर्शन अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी में कमजोर हैं, आपसे थ्योरी नहीं लिखते बनता, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन में अपने मार्क्स अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इसे बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पर भी सेम 150 मार्क्स में आपको ओनली 50 मार्क्स लेकर आना है इस ग्रुप में, तो आप पास हो जाएंगे, राइट। तो
मार्क्स का क्राइटेरिया है, 150 में 50 मार्क्स लाते हैं आप, तो इस ग्रुप में आप पास हो जाएंगे। अब आते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप है ग्रुप थ्री। ग्रुप थ्री में है आपका बिजनेस एनवायरमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण और बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ये भी बहुत सिंपल सा ग्रुप है। यहाँ पर तो कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही नहीं है, दोनों के दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इस ग्रुप को तो पास करना बड़ा आसान है। 150 मार्क्स में 50 मार्क्स से ज्यादा ही, बहुत ज्यादा आप ऑप्टेन कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑप्टेन करने की कोशिश करनी है। सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सिलेबस को इतने सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी बहुत अच्छे नंबर ऑप्टेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में 5-5 यूनिट्स होते हैं और हर एक यूनिट 15 नंबर का होता है, तो 15-15 5 यूनिट 75 मार्क्स का एक पेपर, राइट? तो इस तरह से ये सारा सिलेबस जो है बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू सिलेबस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब द लर्न साइट गाइस। आपका ये सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, सो प्लीज सब्सक्राइब।